एनीवन मैम वो पीपीटी भेज देते तो पढ़ के डाउट होता है ना। टुडे आप लोग सब क्लास कोड, आई एम शेयरिंग द क्लास कोड इन योर ग्रुप, ठीक है? आप लोग का नया क्लास कोड आप लोग साथ शेयर हो जाएगा आज, एंड आफ्टर दैट आपका पीपीटी भी उस पर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? सो वी आर इन द की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैम पुराना वाला हम डिलीट कर देंगे, अभी फिलहाल पुराना वाला नहीं, मैम क्लास डिलीट कर देंगे मैम। अमन ओके हम ये बाद में आपको बता देंगे, ठीक है? सो द फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द फिजिकल एग्जिस्टेंस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट, द रिप्रेजेंटेशन और द फिजिकली व्हेन द कंटेंट आर फिजिकली प्रेजेंट फॉर सम काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज ऑब्जेक्ट। बेसिकली ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ होम, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एज वेल एज डेटा मेंबर। हम ये पहले भी बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका फिजिकल अपियरेंस हो, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है? और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए बेसिकली वी नीड टू बी डिफाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एज वेल एज क्लास बोथ। हमें फंक्शन और क्लास दोनों को ही डिफाइन करना पड़ता है, सॉरी, फंक्शन और डेटा मेंबर दोनों को ही डिफाइन करता है एक साथ, करना पड़ता है एक साथ इन साइड द क्लास। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोगों का? हेलो, यस मैम। ओके, नाउ कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंटिटी व्हिच वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर यू? अपने आसपास के लाइफ से कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जिसे तुम एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करो, ठीक है? उसके बारे में बता सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट कैसे है, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसके पार्ट्स क्या हैं? एनीवन? मैम कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है हर से, तो उसके पार्ट्स क्या हो गए? सीपीयू, कॉलेज, माउस, मॉनिटर, यूपीएस। गुड, ओके। अमन आप क्या बोल रहे थे? मैम रियल वर्ल्ड एंटिटी में ऑब्जेक्ट कोई स्कूल या कॉलेज ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट उसके मतलब यही सब जो है जो कॉलेज को चलाते एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसको वही सब उसके फंक्शंस हो जाते हैं। एग्जैक्टली, पार्ट्स हो जाएंगे। द पर्सन हु एक्चुअली वर्क और कनेक्टेड विद द कॉलेज, एंड फंक्शंस हो जाएंगे उन एम्प्लॉयज और उन स्टाफ और उन स्टूडेंट्स का रोल, ठीक है? उनका टास्क, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर ऑब्जेक्ट। अगर हम अपना एग्जाम्पल लें, जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन इफ ह्यूमन इज एन ऑब्जेक्ट, तो हमारे हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, दैट इज द पार्ट एंड देयर फंक्शन, ठीक है? तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी फंक्शन। बिकॉज अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हो, तो ऑब्जेक्ट तभी अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकता है जब पार्ट्स एंड फंक्शन कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो। अगर एक दूसरे से डिटैच होंगे, वो कभी भी एक दूसरे के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे, और अगर वो एक दूसरे के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हमारा टास्क और हमारा जो मोटिव है, जो गोल है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एंटिटी। किसी भी एंटिटी का फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है? बेसिकली इट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट इज पार्ट एंड फंक्शन। इफ पार्ट आर रिस्पॉन्सिबल
टू कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ योर सिस्टम और इफ पार्ट्स आर द हार्डवेयर ऑफ योर सिस्टम द फंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एज वेल एज मैनिपुलेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट. जैसे कि यहां पर वो सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है कार का, ठीक है. इफ डेटा और यू कैन से द डेटा मेंबर्स आर द नेम द कलर प्राइस और यू कैन से द कंपोनेंट्स, ठीक है. ये सब कुछ किस बेसिस पे लिया गया है, यूज के बेसिस पर लिया गया है, ठीक है. तो अगर ऑब्जेक्ट आपका कार है तो ये उनकी प्रॉपर्टीज हो गए और ये उसका फंक्शन हो गया. सो बेसिकली यू कैन डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट इन दिस वे ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज क्लास. क्लास इज अ लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ योर गिवन ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हो या जो भी ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि बनना चाहिए उसका लॉजिकल फ्रेमवर्क या फिर आप कह सकते हो ब्लूप्रिंट क्या होता है, क्लास होता है, ठीक है. क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू अप्लाई द डिजाइन व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट. क्लास ही वो कंटेंट होता है. द वर्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू अप्लाई द डिजाइन व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट. ये आपके ऑब्जेक्ट के डिजाइन व्यू को अप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ठीक है. We can also collect all the data members as well as the functions inside the class only. कौन सा function कब किस data member के साथ behave करेगा, किस तरीके से behave करेगा, input provide करेगा, output provide करेगा या memory को delocate करेगा, ये सारा information हम जिसके through implement करते हैं That is your class. वो क्या होता है आपका class. जैसे कि if you want to store two or more than two variables in your program, we need to be declare that variables inside the class only. अगर हम दो और दो से ज्यादा variables को apply करना चाहते हैं अपने program में तो इस case में हमें क्या करना पड़ेगा, उन variables को class के अंदर declare करना पड़ेगा, ठीक है. अब वो वेरिएबल्स लेने का पर्पस क्या है, आई मीन आप उस वेरिएबल्स को क्यों लेना चाहते हो, डेटा प्रिंट करने के लिए लेना चाहते हो. इफ यू वांट टू प्रिंट योर डेटा इन दैट केस प्रिंट इज द नेम ऑफ योर फंक्शन, ठीक है. इफ यू वांट टू ऑपरेट योर डेटा, ठीक है, मान लो इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट द डेटा एज अ इन अ फॉर्म ऑफ सम, अगर सपोज कि आप अपने डेटा का सम चाहते हैं, ठीक है, इन दैट केस The operation performed by your function is actually the execution of that data. आपको जो भी sum perform करना है या जो भी operation perform करना है वो task भी आप कहाँ declare करोगे, these all are declared inside your class only. ये सब कहाँ declare होता है, आपके class के अंदर. इस वजह से class को क्या कहा जाता है, blueprint, ठीक है, या logical framework. It is responsible to develop your logic or your code or generate the ideas easily. ठीक है, ये वो जगह है जहां पे आप अपने logics को display करते हैं, ठीक है. And object वो area है जहां पर आपका logic exactly compiler को connect करके execute करता है, ठीक है. कोई question है इसमें? No, ma'am. Hello. समझ में आ रहा है? हम क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, क्लास ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता है. अगर ऑब्जेक्ट इज द मेमोरी जो कि क्लास को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है. अब सपोज करो कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो लेकिन आपका कंपाइलर आपको मेमोरी प्रोवाइड नहीं कर रहा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे. ऑब्जेक्ट इज एन एरिया थ्रू विच क्लास प्रोवाइड द मेमोरी फॉर देयर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स, ठीक है. ऑब्जेक्ट की वजह से तुम्हारे क्लास को मेमोरी प्रोवाइड की जाती है. समझ में आया? यस मैम. हेलो. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिनट. सपोज करो आप लोग लिखते हो int
कॉमा बी, ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन है अभी आप लोगों के लिए, है ना। तो अगर इंट ए लिखते हैं हम, ठीक है, चलो एक ही वेरिएबल की बात करते हैं, एक ही बारी में दो वेरिएबल की बात हम करते ही हैं। अगर हम इंट ए लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना का क्या मतलब है? वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिक्लेरेशन ऑफ इंट। मेमोरी दो बाइट जगह, फिर से बोलो अमन। मैम दो बाइट का जगह बनाता है मेमोरी में। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है, आपका रैम का कैपेसिटी हाई होता है, जितना जितना स्पेस आपको चाहिए उसके कंपेरेटिवली तो उसकी कैपेसिटी काफी हाई होती है, हम ये पहले ही बता चुके हैं। तो आपको पूरा का पूरा वो 4 GB या 8 GB जितना भी रैम है वो पूरा का पूरा उठा करके तो नहीं दे सकता, वो पूरा का पूरा आपके लिए एक्टिवेट नहीं कर सकता, वो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी आपको प्रोवाइड करता है। पूरे रैम में से कितना प्रोवाइड करता है? एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अगर हम इंट ए लिखते हैं, इट मीन्स इस ए के लिए, इस ए के लिए वो कितना स्पेस हमें प्रोवाइड करेगा? 2 byte। ये जो स्पेस वो हमें ए के लिए प्रोवाइड कर रहा है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 2 byte, सिर्फ और सिर्फ 2 byte, ठीक है। तो अगर हम ये इंट ना लें, सॉरी अगर हम ये ए ना लें, ठीक है, सिर्फ इंट लें, हम सिर्फ इंट ले लिए, तो आपको 2 byte स्पेस तो है आपके पास, लेकिन ये 2 byte स्पेस आप किसके लिए ले रहे हो? आपको आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये 2 byte स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया है अपने किसी वेरिएबल के लिए या अपने किसी कंटेंट के लिए? तो बेसिकली व्हेन यू यूज द आइडेंटिफायर, जब आप आइडेंटिफायर यूज करते हो विच इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल, तो यहाँ पर इन द स्पेस ऑफ योर रैम वी जस्ट पुट अ नेम और एन आइडेंटिफिकेशन फॉर द डेटा और द मेमोरी ब्लॉक विच इज कैप्चर्ड विद द रिक्वेस्ट ऑफ इंट। इंट के रिक्वेस्ट पर जो 2 byte स्पेस मैंने ऑक्यूपाई किया है उसका नाम, मतलब हम कंपाइलर को यहाँ पे हम पहले ही बता दे रहे हैं दैट स्पेस इज यूज बाय प्रोग्रामर और मी, ठीक है, या तो प्रोग्रामर या मेरे थ्रू ये स्पेस यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि मुझे आप 2 byte स्पेस प्रोवाइड करो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जितना ये 2 byte स्पेस नेसेसरी है उतना ही ये ए भी नेसेसरी है। अब सपोज करो कि ये जो इंट है वो क्या है? आपका क्लास है, ठीक है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि कितना, मतलब कितना मेमोरी, कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी मुझे चाहिए, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट, अगर ये ए सपोज करो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो अमाउंट ऑफ मेमोरी आप कहाँ पर और कैसे लोगे, मतलब कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट मेमोरी। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो मैम, एक बार रिपीट करिए। ओके, हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज वी हैव अ डेटा टाइप इंट एंड अ वेरिएबल ए, ठीक है। इंट का मतलब होता है वी वांट टू कंज्यूम 2 byte ऑफ स्पेस फ्रॉम द रैम, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं? 2 byte स्पेस रैम से कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है। हमें 2 byte स्पेस रैम का चाहिए, ठीक है। रैम का टोटल स्पेस कितना भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आई जस्ट नीड 2 byte ऑफ स्पेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ आर प्रोग्राम। क्लियर है? समझ में आया? यस। ओके, अब हम मान लो, सपोज करो कि 2 byte स्पेस आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है, पर यहाँ पर आप इस 2 byte स्पेस में इंफॉर्मेशन को पुट नहीं कर रहे, मतलब कि आप इस 2 byte स्पेस को, आपको जैसे आपका सिस्टम का रैम काफी बड़ा है तो आपको, आपने इसी 2 byte स्पेस को कैरी किया है जिसका सपोज करो कि इस पूरे रैम का अलग अलग ब्लॉक है, जैसे हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस है, ठीक है, हर एक ब्लॉक का क्या है? एक एड्रेस है, और हर एक ब्लॉक के एड्रेस को कंपाइलर खुद से आइडेंटिफाई कर रहा है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस है? मैंने क्या, मैंने कंपाइलर को रिक्वेस्ट किया कि आई नीड 2 byte ऑफ स्पेस, ठीक है, कंपाइलर 2 byte ऑफ स्पेस मुझे प्रोवाइड कर दे रहा है,
तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये 2 बाइट ऑफ स्पेस कहां पर है आपके रैम में? आपको ये कैसे पता चलेगा? इन दैट केस मैंने एक आइडेंटिफायर यूज किया इन अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल, ठीक है? क्या यूज किया? आइडेंटिफायर यूज किया विच इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द मेमोरी विच इज कैप्चर्ड बाई मी, उन मेमोरीज को जो मैंने रिक्वेस्ट करके कंपाइलर से ऑक्यूपाई किया है, उस मेमोरी को आइडेंटिफाई करने करने का काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, ठीक है? तो बेसिकली जब आप ए को रीड करोगे या ए के पास कोई वेरिएबल कोई डेटा रखोगे, तो ए ऑटोमेटिकली उस डेटा को उस 2 बाइट ऑफ स्पेस में स्टोर करेगा। इतना समझ में आया जो बोले? यस मैम। ठीक है। अब मान लो ये 2 बाइट स्पेस तो डिफाइन है कि तुम्हारा डेटा 2 बाइट से अगर बियॉन्ड 2 बाइट्स भी जा रहा है फिर भी आप 2 ही बाइट ले सकते हो, बिकॉज आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट डिक्लेयर किया है, ठीक है? लेकिन क्या हो कि अगर हम इन इंट ए के बजाय कुछ ऐसा डेटा लें जहां पे वो इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करे, मल्टीपल टाइम मतलब जैसे सपोज करो कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए 2 वेरिएबल्स के लिए, दैट इज ए एंड बी, तो मतलब 2 2 बाइट दोनों के लिए चाहिए, ठीक है? इसके अलावा मुझे स्पेस चाहिए अपने फंक्शंस के लिए, मेरे फंक्शन का नाम है इनपुट और आउटपुट। अब यहां पर देखो मैंने इन फंक्शंस को भी क्या किया है, इस तरीके से इंट लगाया है, ठीक है? मतलब कि मुझे इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी 2 2 बाइट में ही चाहिए। क्लियर है इतना? यस मैम। अब अंतर मैं समझा दे रही हूं। होता क्या है कि यहां पर इसके ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है, क्लास, ठीक है? ये किसके इनसाइड है? क्लास के इनसाइड है। और ये क्या है? इंडिविजुअल है, ठीक है? अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपका डेटा, ठीक है, ए बाइट यहां पर लिया गया है और दूसरा बी को उन्होंने किसी और कॉर्नर पे जाकर के ड्रॉप किया, बिकॉज कंपाइलर अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हें यहाँ पे स्पेस देगा, क्योंकि आपने उसे ये बिल्कुल भी नहीं बोला है, उसके उसको आपने ये बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं किया है कि सारा इंफॉर्मेशन आपको मेमोरी के सिमिलर टाइप ऑफ ब्लॉक में चाहिए, बिल्कुल एक एक साथ चाहिए। इन दैट केस ए कहाँ पर है? कहीं और है, और बी कहाँ है? कहीं और है, ठीक है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर, दिस इज द मेमोरी एलोकेशन प्रॉब्लम ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है? अब मान लो कि इस इंट को हटा करके यहां पर मैंने क्या डाला? क्लास, ठीक है? क्या डाला? क्लास नेम। और ये ए और बी वेरिएबल्स नहीं होने के बजाय क्या है? आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इन दैट केस आपको टोटल कितना स्पेस चाहिए? काउंट करो, 2 बाइट चाहिए ए के लिए, 2 बाइट चाहिए बी के लिए, 2 बाइट चाहिए इनपुट के लिए और 2 बाइट चाहिए आउटपुट के लिए। टोटल कितने हुए? 8 बाइट। ये आपको क्या करेगा, वो पूरा कलेक्टिव बाइट्स, ठीक है, इंट का जो भी स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा, ये पूरा का पूरा स्पेस आपको ये क्या करेगा, यहां से उठा करके उस मेमोरी में अलोकेट करवा देगा, ठीक है? एक साथ, ना कि अलग अलग। इन दैट केस आपका प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज करेगा, आपका मेमोरी का प्रोटेक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है? मेमोरी का प्रोटेक्शन कैसे, किसी भी चीज को आप अलग अलग रखो तो वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है, या किसी भी चीज को बाइंड करके रखो तो वो भी ज्यादा, वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है। हेलो हेलो। यस मैम। एमा देखो सी। यस मैम। तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉजिकल फ्रेमवर्क। क्लास ने बताया क्या कि आपको कितना स्पेस चाहिए, और ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उस स्पेस को प्रोवाइड किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। सो दिस इज द वर्क ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन द कंटेंट, वेयर एज ऑब्जेक्ट अलाउ द मेमोरी टू पुट और टू एग्जीक्यूट दीज कंटेंट विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। क्लियर है मैम? ये क्लास कीवर्ड हुआ ना? हाँ, क्लास कीवर्ड है। और मैम ऑब्जेक्ट कहाँ क्लियर डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट? जैसे देखो, अगर अमन आपको बोला जाए
इंट ए, ठीक है? तो इंट क्या है? इंटीजर, डाटा टाइप. डेटा टाइप है, एग्जैक्टली डेटा टाइप है. जबकि ए क्या है? करेक्ट, वेरिएबल डेटा टाइप का आइडेंटिफायर विच ऑक्यूपाई 2 byte ऑफ स्पेस. ठीक है, यहाँ पर ये क्लास क्या हो गया? कीवर्ड विच क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप फॉर अस. ठीक है, वेयर एज ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफायर फॉर दैट क्लास विच प्रोवाइड द एलोकेशन फैसिलिटी. समझ में आया? मेमोरी को एलोकेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्जेक्ट की. और मेमोरी को डिजाइन करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्लास की. ठीक है, हमें कितना स्पेस चाहिए ये क्लास बताता है, और उसे प्रोवाइड कौन करवाता है? ऑब्जेक्ट करवाता है. ठीक है, कोई डाउट है इसमें अभी भी? यस मैम. बोलो. नो मैम. नो मैम. अच्छा, so this is also called dynamic binding. When you bind all the contents together, ठीक है, and allow the object to execute these all contents with the help of memory is known as dynamic binding. Now we are in class. So if the vehicle is your class, the data members are the name of company, the model, color, capacity, their other parts like the steering, gear, seat. ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? व्हीकल के पार्ट्स हो जाएंगे. देयर इज अ स्पीड, एवरेज, माइलेज, ब्रेक, दीज ऑल आर डिफाइंड एज अ फंक्शन. ठीक है, ब्रेक कंपोनेंट नहीं, ब्रेक फंक्शन. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके, उसी तरीके से आपका कंप्यूटर भी होता है. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर क्लास फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज. कोई क्वेश्चन है इसमें? हेलो, से यस और नो? नो मैम. नो मैम. क्लास और ऑब्जेक्ट का एक बार फिर से डिफरेंस बताइए ना. ओके फाइन मैम. हाँ हेलो. हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? क्लास और ऑब्जेक्ट के और इससे डिफरेंस बताइए ना. ठीक है, पुरुषोत्तम बता रहा है. मेरी आवाज जा रही है? यस. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. यस मैम. पुरुषोत्तम, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट. सी, ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है, मतलब जो अपीयर होता है. एंड क्लास इज अ लॉजिकल डिजाइन और द लॉजिकल फ्रेमवर्क, और यू कैन से द ब्लूप्रिंट. ठीक है, क्लास क्या है? लॉजिकल एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है? फिजिकल एग्जिस्ट करता है. क्लास अलाउ अस टू डिजाइन द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्लास हमें क्या प्रोवाइड करता है फैसिलिटी? कि हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिजाइन कर सकें. जबकि ऑब्जेक्ट क्या डिफाइन करता है? ऑब्जेक्ट अलाउ अस टू एक्सेस द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ दैट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. वी कैन एक्सेस द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ दैट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्लास जस्ट डिजाइन द कंटेंट विच वी यूज इन आवर प्रोग्राम. क्लास उन कंटेंट्स को सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करता है. ठीक है, जो हमें चाहिए. लेकिन ऑब्जेक्ट उसे मेमोरी के साथ एलोकेट करवाता है, मतलब कि हमारे मेमोरी के साथ कनेक्ट करवाता है फॉर द एग्जीक्यूशन. समझ में आया? हेलो. यस मैम. समझ में आया? ये और कुछ बताएं? नो मैम. ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. मैथड क्या होता है?
तरीका मैम एग्जैक्टली और यू कैन ये तो मेथड तरीका हिंदी हुआ ना बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेथड इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेड तरीका होता है ठीक है म्यूट योर माइक प्लीज मेथड इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेड एक्शन ऑफ योर वेरिएबल्स जब आप किसी एक्शन को और एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करवाते हो ठीक है इन दैट केस द एक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्टिकुलर सिनेरियो और अ पर्टिकुलर फॉर्मेट इज नोन एज फंक्शन फंक्शन क्या होता है द पर्टिकुलर एक्शन ऑफ योर प्रोग्राम आपका प्रोग्राम का कोई पर्टिकुलर एक्शन क्या कहलाता है फंक्शन ठीक है फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ रिजल्ट ठीक है द ऑपरेशन टेकन थ्रू द प्रोग्राम इन अ फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न सम रिजल्ट जब कोई एक्शन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस किया जाता है किसके फॉर्म में एग्जीक्यूशन के फॉर्म में किस लिए रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए आई रिपीट व्हेन सम एक्शंस आर टेकन बाय योर प्रोग्राम इन अ फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर सम रिजल्ट सो दैट एक्शन इज नोन एज फंक्शन तो ये एक्शन क्या कहलाता है आपका फंक्शन एम आई क्लियर मेरी बात समझ में आ रही है यस मैम नो मैम नो मैम पुरुषोत्तम राइट आई गेस हेलो यस मैम हाँ हम फिर से बोल रहे हैं द एक्शन टेकन बाय योर प्रोग्राम का क्या मतलब है एक्शन का मतलब है सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑपरेशन ठीक है जब हम कुछ ऑपरेशन को किसी प्रोग्राम के थ्रू परफॉर्म करते हैं जब हम किसी कुछ ऑपरेशंस को किसी प्रोग्राम के थ्रू क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं कब एग्जीक्यूशन के साथ किसके लिए करते हैं ताकि हमें कुछ रिजल्ट मिल सके तो वो पर्टिकुलर एक्शन क्या कहलाता है फंक्शन That particular action which is responsible for some particular result, वो action या वो operation जिससे हमें कुछ result provide हो सके वो क्या कहलाता है function. समझ में आया जैसे कि sum. If you want to add two number, you need to perform a particular format to return the result of sum. अगर तुमको दो नंबर को जोड़ना है और इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑफ सम अगर मान लो कि आपको सम से रिलेटेड कोई प्रोग्राम करना है इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा आपको दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा ठीक है और वो पर्टिकुलर प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिजल्ट उस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जो हम रिजल्ट गेन करेंगे तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस थ्रू विच वी कैन गेन द रिजल्ट इज नोन एज फंक्शन समझ में आया हेलो यस मैम समझ में आ गया जिस प्रोसेस से हमें कोई रिजल्ट प्राप्त हो उसको फंक्शन कहते हैं एग्जैक्टली सो दिस इज द Somewhere it is defined as a function and somewhere it is defined as a method. कुछ languages में ये function ही कहलाता है कुछ languages में ये क्या कहलाता है method. जैसे कि Java. Java में आप function के बजाय क्या कौन सा word use करोगे method. ठीक है Clear है Yes, ma'am. Okay. When all the contents. जी ma'am. और ऑल द पार्ट्स ऑफ योर प्रोग्राम्स आर कलेक्टेड टुगेदर जब तुम्हारे सपोज करो कि तुम स्मॉल स्मॉल जैसे कि सपोज करो कि आप कोई ड्राइंग कर रहे हो ठीक है तो ड्राइंग करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे आपको पेन लगेगा पेंसिल लगेगा इरेजर लगेगा एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर लगेंगे है ना
इंक्लूडिंग अ पेपर. तो बेसिकली वी नीड एटलीस्ट मिनिमम 5 कंपोनेंट्स टुगेदर टू स्टार्ट द ड्रॉइंग. मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, से यस और नो एटलीस्ट. यस मैम. ओके, तो मान लो कि किसी ड्रॉइंग को करने के लिए आपने इन सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया, ठीक है? एंड व्हेन यू फिनिश योर ड्रॉइंग, जब आप अपने काम को खत्म कर लोगे तो एक प्रॉपर आउटपुट आएगा आपके पास, आएगा ना? और अगर सपोज करो कि कोई पर्सन आपसे आकर के बोले कि उन ड्रॉइंग में से वो जो कंपोनेंट आपने यूज किए हैं उनको अलग कर दीजिए वापस से, इज दिस पॉसिबल? नो मैम. पॉसिबल नहीं है? क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आउटपुट तैयार हो गया है, क्योंकि वो इस तरीके से उसका आउटकम आ चुका है कि हम उसे कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, है ना? एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज डेटा अबस्ट्रक्शन. ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, लेकिन आप उसको अलग नहीं कर सकते हो. ऑल पार्ट्स आर इंस्टेंशिएटेड टुगेदर, सारे पार्ट्स इस तरीके से कंबाइन हो गए हैं. वी कांट मेक देम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, हम उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. एंड दैट आउटकम, ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस, काम करने के बाद, मतलब ड्रॉइंग खत्म करने के बाद जो आउटकम आ रहा है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, That is your abstraction. वो format क्या कहलाएगा आपका? Abstraction. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. अब जैसे कि मान लो, चलो प्रोग्राम की बात करते हैं. जैसे int, it always captured 2 byte of space. If you want to capture 3 byte of space instead of 2 using int, अगर हम प्रोग्राम में 2 बाइट के बजाय इंट को परमिट करे कि आप 3 बाइट ऑफ स्पेस लो मेरे वेरिएबल के लिए, इज दिस पॉसिबल? नो. नो मैम. क्यों? क्यों? क्योंकि 2 फिक्स है उसका, इंट ऑलवेज कंटेन्स 2 बाइट, क्योंकि वो 2 बाइट पे ही उसको कोड किया गया है, है ना? उसकी कोडिंग ऑलरेडी 2 बाइट पे हो चुकी है और हमें वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए मिला है. मतलब हमें क्या मिला है? सिर्फ और सिर्फ उसका फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है. Am I clear? Yes, ma'am. ठीक है, that's why we just use 2 byte of space instead of 3 byte. We cannot change the space of any predefined data type. Clear है ना? हम किसी भी predefined data type के space को ऐसे बदल नहीं सकते हैं, because हमें जो ऑथोरिटी मिली है, मतलब हमें जो परमिशन मिला है, दैट इज फॉर 2 बाइट्स ओनली, नॉट फॉर द 3 बाइट्स. ठीक है, एंड दैट आउटकम व्हिच प्रोवाइड यू ओनली 2 बाइट ऑफ स्पेस फॉर योर वेरिएबल इज नोन एज अबस्ट्रक्शन. समझ में आया? लास्ट वाला लाइन रिपीट कीजिएगा. सॉरी, लास्ट वाला लाइन. ओके, इट डज नॉट अलाउ, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं क्लास वाला लाइन क्या था, बट स्टिल इट डज नॉट अलाउ टू एक्सीड द स्पेस ऑफ मेमरी जस्ट बिकॉज द वी जस्ट अलाउ टू यूज दैट कंटेंट और यूज दैट डेटा टाइप. ठीक है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ उन डेटा टाइप को यूज करने का फैसिलिटी देता है. इट डजेंट अलाउ द कोडिंग और द कन्फिग्रेशन फीचर ऑफ दैट डेटा टाइप. That's why we just use them. And the concept where we just use that data type only is known as abstraction. समझ में आया? Yes, ma'am. कोई question इसमें? No, ma'am. No, ma'am. Can you give me any example from your side about data abstraction? मैम एग्जांपल, मैम हमारा फोन ही हम लोग बस जानते हैं, यूज करना थोड़ी हम जानते हैं कैसे बनाइए. ओके, तो क्या पूरा फोन अबस्ट्रैक्शन में आएगा या फिर सम पार्ट्स? मैम उसके कुछ पार्ट्स आएंगे कि उसका प्रोसेसर कैसे, मतलब लाइक अंदर का जो कंट्रोल,
कॉलिंग बटन, ठीक है, डिस्प्ले, उसके बाद ड्रॉप बटन जिसके थ्रू आप फोन कट करते हो, है ना, जो रेड बटन होता है, दे ऑलवेज परफॉर्म फॉर द डिक्लाइंड ऑपरेशन. जो रेड बटन होता है हमारे फोन का, वो हमेशा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? डिक्लाइंड ऑपरेशन, किसी चीज को रिजेक्ट करने का. आप कभी भी उससे किसी कंटेंट को सबमिट नहीं कर सकते. ऐसा होता है कि आप उससे कभी किसी चीज को सबमिट किए हो? वो हमेशा डिक्लाइन के लिए आप यूज करते हो. इट मीन्स उस पर वो टास्क ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ना. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. किसी और को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है. अमन, अमन कश्यप, अमन आदित्य, हेलो कुंदन, सी इफ यू आर नॉट रिप्लाई मी बैक आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर योर अटेंडेंस. सिंपल सी बात है. ज्वाइन करके मैं छोड़ देता है लगता है. जो भी है, रोज पड़ता आप तो पूरा छोड़ देता है. अब इसका डिस्कशन ऑफ करें. नाउ द नेक्स्ट वन इज इनकैप्सुलेशन. व्हाई वी यूज इनकैप्सुलेशन? अगर आउटकम डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, अगर आउटकम डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, तो द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन यूज और विच वी कैन एक्टिवेट द एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट, वो तरीका या वो प्रोसेस जिसकी वजह से आप एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो कर पाते हो, ठीक है, वो प्रोसेस आपका इनकैप्सुलेशन होता है. ये हम कल भी बता चुके हैं कि द आउटकम ऑफ इनकैप्सुलेशन इज एब्स्ट्रैक्शन, राइट. हेलो, यस मैम. नाउ एब्स्ट्रैक्शन में हम लोगों ने एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लिया था, दैट इज योर ड्राइंग बुक, ठीक है. एब्स्ट्रैक्शन में ड्राइंग बुक आपने यूज किया उसके कंपोनेंट्स लाइक पेंसिल, कलर, पेन, इरेजर एंड पेपर, ठीक है. इसके अलावा द कलेक्शन ऑफ दीज ऑल कंटेंट्स टुगेदर, ठीक है, एंड द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन ड्रॉ द इमेजेस ऑन योर पेपर इज योर इनकैप्सुलेशन. अब अगर हम इन पेपर्स को इस तरीके से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा कि इफ वी वॉन्ट टू मेक ऑल द डेटा सेपरेट फ्रॉम योर पेपर, तो आप लोगों ने कहा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, ठीक है. तो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेम्परिंग, ठीक है, अगर आप अपने डेटा को किसी भी तरह के हार्म से बचाना चाहते हो, अगर आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका डेटा किसी अनऑथोराइज पर्सन के थ्रू इफेक्ट हो, इन दैट केस we need to collect as well as bind the data together in a particular form so that no one can enter without the permission of you or without the permission of us to make the data harm, theek hai, and the process through which you can combine these all contents together is known as encapsulation. मैंने आपको बताया कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन कंबाइन द ऑल द कंटेंट्स टुगेदर, वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप सारे कंटेंट्स को कंबाइन करते हो फॉर द पर्टिकुलर आउटकम, वो क्या कहलाता है आपका? इनकैप्सुलेशन. क्यों करते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन? ताकि कोई बाहरी पर्सन उसे हार्म ना कर सके, एक्सीडेंशियली या फिर इंटेंशनली, दोनों ही तरीकों से हमारे डेटा, हमारे प्रोग्राम और उसके स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का इफेक्ट ना पहुंचे, सो दैट इट इज नेसेसरी फॉर अस कि हम उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से अप्लाई कर सके. समझ में आया? हेलो, हेलो मैम. तो ये सिक्योरिटी के लिए सबसे अच्छा होगा इनकैप्सुलेशन. ऑब्वियस ही बात है, इनकैप्सुलेशन है तभी तो एब्स्ट्रैक्शन है. इसलिए OBJ को OP को बोलते हैं मोर डाटा प्रोटेक्शन. मैम वो दो मिनट के लिए बाहर गया था.
दो मिनट के लिए बाहर गया था, दोस्तों ने बताया व्हाट्सएप पे। ओके सोया नहीं था मैम, सामने में कॉफी वॉफी लेके बैठा था। ठीक है, पर ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे में आप लोग का अटेंडेंस कैसे कंसीडर होगा बताओ तुम, ये तो गलत है ना हमारे। कब से कैमरा ऑन करके रखना है? रुद्र क्या बोल रहा हो? नहीं कह रहे अमन को कि कैमरा ऑन करके रखना है। एनीवेज सो जस्ट बिकॉज ऑफ इनकैप्सुलेशन द डेटा प्रोटेक्शन काफी हाई होता है हमारे सिस्टम का, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर का जो डेटा प्रोटेक्शन होता है उसका सबसे बड़ा रीजन इनकैप्सुलेशन भी है, ठीक है, और उसी की वजह से द आउटकम ऑफ इनकैप्सुलेशन कैसे डिफाइन होता है एज अबस्ट्रैक्शन। क्लियर था? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेटा बाइंडिंग। व्हाई वी यूज डेटा बाइंडिंग? डेटा बाइंडिंग हम क्यों यूज करेंगे पहले ये बताओ निखिल। पुरुषोत्तम एक मिनट। निखिल। यस मैम। व्हाई वी यूज डेटा बाइंडिंग? यस मैम। कोई भी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ भी जो तुमको पता हो। अच्छा चलो इतना ही बता दो कि अभी मैंने क्या क्या डिस्कस किया। निखिल। हाँ मैम। क्या क्या डिस्कस हुआ अभी? बहुत कुछ मैम। कहाँ बोल? टॉपिक बताओ निखिल डायरेक्टली, स्टोरी नहीं सुनाना आपको। जो जो आप डिस्कस किए वो टॉपिक। जस्ट नेम ऑफ दैट टॉपिक। बोल रहा मैम। अपना कैमरा ऑन करो पहले। नाउ अभी। हाँ मैम। मैम ऑन है। बोलो बोलो। हाँ टॉपिक बोल रहे। मैम वो डाटा। ओके ठीक है तो समझ गए हम। सिम्मी नहीं आपको याद है, हम थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं। सिम्मी हेलो टॉपिक बताओ। हेलो बेटे हम इससे अच्छा तो मैम हम बोल देंगे। सेट अप। ओके आशीष। आशीष राज। यस मैम। आशीष। आशीष राज। अच्छा मैम उससे पूछ। आशीष आप बताओ। हेलो मैम। मैम वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ वो पता चला। एक मिनट से मैं अब आशीष को बोलने दो। ओके मैम डेटा एक्सट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन और सुनाई दे रहा है। हाँ object. वो तो मैम हम तो बोलते हैं इनकैप्सुलेशन और डेटा एक्सट्रैक्शन। गिव एन एग्जांपल ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन। दिख रहा है मुझे कि तुम कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। और ये पता है रैंडमली अब सबके साथ होगा। आशीष राज एग्जांपल प्लीज। तुमसे पूछा गया हमसे नहीं। एनीवेज सो वी आर इन डेटा डायनेमिक बाइंडिंग। व्हाई वी यूज बाइंडिंग? अलका के कोड। हाँ अमन बोलो बोलो बोलो। अमन यस बोलिए। प्रोग्राम के कोड के प्रोग्राम का जो कोड होता है उसका लेंथ को कम करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सब प्रोटेक्टिव करने के लिए भी। हाँ। जैसे कि अभी मैंने जो ड्राइंग का एग्जांपल दिया तो सारे कंपोनेंट्स मिलाकर के आपने क्या कि एक पेपर पे बाइंड कर दिए, ठीक है, किस लिए? एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए, ताकि वो जो व्यू है वो जो विजिबिलिटी है वो काफी इंट्रैक्टिव दिखे, है ना। उसी तरीके से प्रोग्राम के पर्टिकुलर आउटकम के लिए वी नीड टू बी बाइंड द फंक्शंस एज वेल एज डेटा बोथ, ठीक है, ताकि जो आउटकम है मतलब जो आउटपुट है तुम्हारे प्रोग्राम का वो उतना ही विजिबल हो, ठीक है। डायनेमिक बाइंडिंग इज रिस्पॉन्सिबल
for the allocation of your data in a limited form, as well as provide a proper visibility in a form of output. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now I'm going to share the link of your attendance. Please use your registration number. ठीक है? अब लीव कर देना मैम. सॉरी, नहीं. नहीं मैम, लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है. लिंक ओपन नहीं हो रहा अगर पुरुषोत्तम, तो चेक योर क्रोम कि वो साइन इन किससे किया होगा. ठीक है, मेरा हो गया मैम, हम नहीं थे. अच्छा, सॉरी. मैम, डायनेमिक बाइंडिंग का एग्जांपल्स. बाइंडिंग collection of data and methods together. ठीक है, that is dynamic, that is binding only. But when your data execute or update at runtime, runtime का मतलब है, मान लो कि आप किसी प्रोग्राम और फंक्शन को एक साथ कलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, that is not the dynamic binding form. लेकिन अगर वो प्रोग्राम और कंटेंट एक साथ रन हो रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कोड है, कौन सा वेरिएबल्स यूज हुआ है, कौन सा डेटा टाइप यूज हुआ है, कौन से फंक्शंस यूज हुए हैं, इन सबको डिस्प्ले ना करके क्या डिस्प्ले कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायनेमिक बाइंडिंग. ओके मैम, समझ. ठीक है, व्हेन योर प्रोग्राम इज ऑलवेज डायनेमिक. डायनेमिक इसलिए बिकॉज इट ऑलवेज कंट्रोल द स्ट्रक्चर इन at runtime only. Dynamic तभी होता है कोई चीज जब controlling हमेशा runtime पर हो, runtime जब execution चल रहा हो. ठीक है? Yes ma'am. इसलिए dynamic बोला जाता है. मैम इसका इस्तेमाल मैम memory में single allocation के लिए भी होता है ना? Single allocation नहीं, multiple allocation के लिए भी होता है. ठीक है? मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी में मल्टीपल एलोकेशन. हाँ, ठीक है. कोई और क्वेश्चन? अटेंडेंस सबका मार्क हो गया है? यस मैम. यस मैम. ओके, सो द टुडे टॉपिक इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट इज अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डायनेमिक बाइंडिंग. ठीक है, and function. Function is what? The operation performed at your data, ठीक है, in a form of program for some particular result. The operation performed at your data is your function, ठीक है. Encapsulation is what? When you bind all the data and functions together so that no one can tamper that data is known as encapsulation. Abstraction? Hence, encapsulation or data hiding में फिर difference क्या हुआ? Data hiding या data binding? Data hiding भी या binding? दोनों अलग चीज़ हैं अमन. Anyways, binding. Data hiding का मतलब होता है when you use this function only without knowing about your data. ठीक है, and encapsulation support the data hiding feature, not the data binding feature. जब आप अपने data को बिना देखे हुए सिर्फ और सिर्फ function को इस्तेमाल करते हो, ठीक है, it means functions उन data को control करता है,
That is your income. आपने जो बताया था. And the outcome of, जैसे आज मैंने एक drawing का example दिया था, ठीक है कि जब आप सारा drawing complete कर लेते हो, तो the process to complete that drawing or the time taken for that drawing is your income. But still, the result in the form of drawing, the colorful picture, is your abstraction. ठीक है? And the last one is data dynamic binding. Dynamic binding का मतलब है when you allow your compiler to execute your function as well as data together. ठीक है? And allow them to control these data at runtime is known as dynamic binding. I guess attendance सबका हो चुका है. Yes. Okay, yes, ma'am. Yes. अब आप लोग चाहो तो लेट कर सकते हैं. Thank you, ma'am. Welcome.